Good morning students, welcome to computer class. From today we start revision work and we cover chapter number 4th, Microsoft PowerPoint 2007. So first of all, see the introduction of Microsoft PowerPoint. MS PowerPoint is a powerful tool which helps us to communicate our views and ideas effectively using diagrams, photos, clip arts, sounds, colors, designs, and animated sound effect. Microsoft PowerPoint आपका एक powerful communication tool है जिसकी help से आप अपने views को and ideas को effectively communicate कर सकते हो using diagrams की help से, photos की help से, clip art की help से, sounds, colors, designs and animated special effects की help से. By using all these, you can communicate our views and ideas in MS PowerPoint. So, PowerPoint provide additional features to organize the information in a tabular format. PowerPoint में एक आपका additional feature आया है, कौन सा? कि आप इसमें अपनी information को tabular format में organize कर सकते हो. PowerPoint में आप अपनी information को कैसे organize कर सकते हो? Tabular format में organize कर सकते हो. A table is a grid of cells arranged in rows and columns. अब table क्या है आपकी? Table जो है आपकी वो grid of cells है, बहुत सारे cells को combine करके बनाई गई है, arranged in rows and columns, जिसमें आपके rows होते हैं and columns होते हैं. या फिर आप बोल सकते हो table is a combination of rows and columns. In this lesson, we will learn how to insert a table, apply a table style and format the table using various commands. हम इस chapter में discuss करेंगे कि table कैसे insert कर सकते हैं हम PowerPoint में, table में styles कैसे apply कर सकते हैं and format the table, table को कैसे format कर सकते हैं by using various commands, जो इसमें commands हैं उनकी help से. So, फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ टेबल. टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे हम पावरपॉइंट में? टू इंसर्ट अ टेबल, क्लिक द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब. आपको क्या करना है टेबल इंसर्ट करने के लिए? आप होम टैब पर जाएंगे. होम टैब पर आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा. वहाँ पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा होगा, आपको उस पर जा करके क्लिक करना है. ये देखिए, यहाँ पर आप होम टैब पर आए एंड होम टैब पर आकर के यहाँ पर आपको मिला न्यू स्लाइड ऑप्शन. ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. आपको इसको क्या करना है? आपको इस पर क्लिक करना है. ओके, देन सिलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा? ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होकर के आ जाएगा लाइक दिस. यहाँ से आपके सामने जो भी प्रेजेंटेशन के लेआउट्स हैं वो अवेलेबल हैं. आप यहाँ से जो भी लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, यहाँ पर सपोज करिए हमने सिलेक्ट कर लिया टाइटल एंड कंटेंट वाला. ठीक है, सो हमने यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. टाइटल एंड कंटेंट लेआउट हमने सिलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टेबल कमांड प्रेजेंट ऑन द स्लाइड. अब आपको क्या करना है? आपको इंसर्ट टेबल कमांड पर क्लिक करना है, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी? स्लाइड पर मिलेगी आपको इंसर्ट टेबल कमांड. द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. क्या होगा जब आप इंसर्ट टेबल कमांड पर क्लिक करोगे? आपका इंसर्ट टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होकर के आ जाएगा लाइक दिस. दिस इज योर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, टू ऑप्शंस गिवन है. यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स का एंड नंबर ऑफ रोज का. अब आपको टेबल क्रिएट करनी है. टेबल कैसे क्रिएट करेंगे आप? आपको अपनी टेबल में जितने भी कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे. सपोज दैट यहाँ पर 5 कॉलम्स डिस्प्ले किए गए हैं. आपको जितने भी चाहिए, 6, 7, 8, आप जितने भी अपनी टेबल में कॉलम्स चाहते हो आप वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दोगे. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज का ऑप्शन है नेक्स्ट. उसमें आप रोज डिफाइन कर दोगे कि आपको अपनी टेबल में कितनी रोज चाहिए, आप यहाँ पर वो डिफाइन कर दोगे. एंड जब आप ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर दोगे, रोज एंड कॉलम्स, दैन क्लिक ऑन ओके. ओके पर क्लिक कर दोगे,
अ टेबल विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रोज एंड कॉलम्स. आपकी टेबल डिस्प्ले होकर के आ जाएगी जितने भी आपने रोज या फिर कॉलम्स इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में डिफाइन किए हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी टेबल पावर पॉइंट की स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर के आ जाएगी. सो बाई यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन इंसर्ट द टेबल इन एमएस पावर पॉइंट. अब टेबल कैसे क्रिएट करनी है ये तो हमको पता चल गया कि हम किन स्टेप्स की हेल्प से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. डेटा इन अ टेबल, टेबल में हम डेटा कैसे एंटर करेंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर इंसर्टिंग टेबल इन अ स्लाइड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू एंटर कॉलम हेडिंग्स और रो एंट्रीज. स्लाइड में टेबल इंसर्ट करने के बाद ये कुछ स्टेप्स गिवन हैं यहाँ पर, इनकी हेल्प से आप कॉलम की हेडिंग या फिर रो की एंट्रीज फिल कर सकते हो. देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं. प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल एंड टाइप हेडिंग. क्या करना है आपको, आपने जो टेबल क्रिएट की उसके फर्स्ट सेल में जाना है एंड वहाँ पर जा कर के जो भी हेडिंग टाइप करनी है फर्स्ट सेल में वो आपको वहाँ पर टाइप कर देनी है. प्रेस द टैब की टू टेक द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल. एंड देन जब आपने फर्स्ट सेल में हेडिंग टाइप कर दी तो आपको नेक्स्ट सेल में मूव करना होगा. आप नेक्स्ट सेल में कैसे मूव करोगे, विद द हेल्प ऑफ टैब की. टैब की हेल्प से आप नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हो टेबल की. सो आप प्रेस करोगे टैब की को टू टेक द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल. इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट सेल तक लेकर के जाने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे, टैब की हेल्प से आप नेक्स्ट सेल तक मूव करोगे. नाउ टाइप हेडिंग फॉर द नेक्स्ट सेल. आप क्या करोगे, नेक्स्ट सेल में मूव कर लिया आपने, अब आप उसमें हेडिंग टाइप कर दोगे जो भी हेडिंग आपको टाइप करनी है. सिमिलरली वी कैन इंसर्ट डेटा इन अ टेबल यूजिंग द टैब की और एरो कीज और माउस. सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टैब की और एरो कीज और माउस आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो. आप टैब की से भी नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, जो एरो कीज होती हैं फोर, उनकी हेल्प से भी आप मूव कर सकते हो एंड माउस की हेल्प से भी आप नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हो. आफ्टर टाइपिंग डेटा इन द टेबल क्लिक द ग्रे एरिया आउटसाइड द स्लाइड. अब आपने एक बार टेबल में पूरा डेटा टाइप कर लिया अपना, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी स्लाइड का ग्रे एरिया होगा स्लाइड के बाहर का, आपको उस पर क्लिक करना है. वहाँ पर जाकर के आपको सिंपली क्लिक कर देना है. तो इन स्टेप्स की हेल्प से तो आप डेटा एंटर कर सकते हो टेबल में. अब आपने एक बार पूरा डेटा एंटर कर लिया अपने टेबल में, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो किसी सेल में चेंज करना, कुछ एडिटिंग करना चाहते हो आप अपने डेटा में. सो आप कैसे एडिटिंग करोगे उसमें अपनी टेबल में वो देखिए. टू एडिट डेटा इन अ टेबल क्लिक ऑन द सेल टू बी मॉडिफाइड एंड मेक चेंजेस इन इट. सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी सेल में चेंजेस करने हैं वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करिए एंड क्लिक करेंगे सो कर्सर की पोजीशन वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी एंड उसमें चेंजेस कर दीजिए. इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हो. अब अगर आपको न्यू रो इंसर्ट करनी है टेबल में सो आप कैसे इंसर्ट करोगे न्यू रो, उसके स्टेप्स देखिए. टू इंसर्ट न्यू रोज इन अ टेबल, न्यू रो इंसर्ट करने के लिए टेबल में आप क्या करोगे, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल. आपको क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट सेल में रखना है. उसके बाद क्या करना है आपको, माउस का जो राइट बटन है उस पर क्लिक करना है, राइट वाला जो बटन होता है माउस का उस पर क्लिक करना है. देन सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इधर इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो सब ऑप्शन. फिर वहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो और ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे. कौन कौन से, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो का. तो आपको अगर ऊपर की साइड रो ऐड करनी है तो अबव वाला सिलेक्ट कर लोगे, अगर नीचे की साइड रो ऐड करनी है तो बिलो वाला सिलेक्ट कर लोगे. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू आपको कहाँ पर रो ऐड करनी है अपनी. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द लेआउट टैब एंड आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन लेआउट टैब में जाकर के भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो इस तरह से आप न्यू रो इंसर्ट कर सकते हो अपनी टेबल में. अब टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर. अब अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं तो वो कैसे करोगे आप, उसके स्टेप्स देखिए. सिलेक्ट द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द आउटसाइड बॉर्डर. आपको क्या करना है, टेबल का जो बॉर्डर है
वहाँ पर जा कर के उसको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक करोगे आप शेप फिल बटन पर, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, ड्राइंग ग्रुप में होम टैब में। आप होम टैब पर जाओगे, होम टैब में ड्राइंग ग्रुप मिलेगा, वहाँ से शेप फिल बटन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन जब आप शेप फिल बटन को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कलर्स की लिस्ट डिस्प्ले होकर के आ जाएगी। आपको जो भी बैकग्राउंड में अपने कलर चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपका वो कलर बैकग्राउंड में डिस्प्ले हो जाएगा। सो अब हमने देख लिया कि टेबल में डेटा को कैसे एंटर करना है। आफ्टर दैट उसके बाद एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग कैसे करनी है, चेंजेस कैसे कर सकते हैं, रोज कैसे ऐड कर सकते हैं हम, एंड बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें डिलीट करना है कोई रो या फिर कोई कॉलम टेबल से, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं वो देखिए। टू डिलीट अ रो और अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, टेबल से रो एंड कॉलम डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप जाइए लेआउट टैब पर। लेआउट टैब में आपको मिलेगा रोज एंड कॉलम ग्रुप्स, वहाँ से आप डिलीट बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, एंड आपको जो भी रो या फिर कॉलम सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर रखिए, सो देट आपकी वो वाली रो एंड कॉलम जो भी आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एडिटिंग एंड द टॉपिक इज टेबल टूल्स। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस पावरपॉइंट 2007, जब आप टेबल इंसर्ट करते हो पावरपॉइंट 2007 में, अ न्यू टैब टेबल टूल अपीयर्स। आपके सामने एक न्यू टैब किस नेम से, टेबल टूल नेम से अपीयर हो जाता है। यू विल फाइंड वेरियस नंबर ऑफ टूल्स प्रेजेंट ऑन इट्स डिजाइन एंड लेआउट टैब। उसमें आपको बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट टैब में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, सच एज बॉर्डर्स, शेडिंग, ड्रॉ टेबल, टेबल स्टाइल, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल एक्सेट्रा। दीज टूल्स आर हेल्पफुल वाइल फॉर्मेटिंग अ टेबल इन द स्लाइड। इन टूल्स की हेल्प से आप अपनी स्लाइड में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। ये सारे टूल्स जो हैं, इनकी हेल्प से आप अपनी टेबल को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, उसमें फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टूल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल, व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली अप्लाइज अ टेबल स्टाइल टू द टेबल। जब आप पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करते हो तो पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली टेबल का स्टाइल टेबल पर अप्लाई कर देता है। यू कैन व्यू द स्टाइल ऑप्शंस इन द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। आप जो है आप स्टाइल ऑप्शंस देख सकते हो कहाँ पर, टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको डिज़ाइन टैब मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप स्टाइल ऑप्शंस देख सकते हो। वहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल फर्स्ट सेलेक्ट द टेबल। अब अगर आपको टेबल स्टाइल अप्लाई करना है सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना होगा। कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए, कोई भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हम किसी सेंटेंस पर कोई फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तब भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें टेबल पर अप्लाई करना है सो हम टेबल को भी सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन क्या करना है, क्लिक द डिज़ाइन टैब टू एक्सेस ऑल द टेबल स्टाइल्स एंड ऑप्शंस। आपको क्या करना है, आप क्लिक करोगे डिज़ाइन टैब पर सारे टेबल स्टाइल्स एंड ऑप्शंस देखने के लिए। डिज़ाइन टैब पर जितने भी टेबल स्टाइल्स एंड टेबल ऑप्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पॉइंट द कर्सर ओवर अ टेबल स्टाइल टू सी अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द स्टाइल ऑन द स्लाइड। अब आपको क्या करना है, कर्सर को टेबल स्टाइल पर लेकर के जाना है टू सी अ लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू देखने का कि आपका जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो कैसे शो हो रहे हैं टेबल पर। नाउ क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू ऑल दी ऑप्शंस। अगर आप और ज़्यादा ऑप्शंस देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे और ऑप्शंस देखने के लिए। देन क्लिक द डिजायर्ड स्टाइल टू सिलेक्ट इट। देन आप क्लिक कर लोगे, सिंपली आपको क्लिक करना है उस स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए।
सो दिस इज़ अबाउट टेबल स्टाइल. नाउ टू चेंज टेबल शेडिंग, अगर आपको टेबल की शेडिंग चेंज करनी है तो आप कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करोगे अगेन, देन सिलेक्ट कर लोगे डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब पर जाओगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे, देन सिलेक्ट रो और कॉलम दैट यू वॉन्ट टू मॉडिफाई. आपको अगर रो को मॉडिफाई करना है या कॉलम को मॉडिफाई करना है, जिसको भी मॉडिफाई करना है, जिस पर भी शेडिंग इफेक्ट अप्लाई करना है, उसको सिलेक्ट कर लोगे. नाउ क्लिक द शेडिंग ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप एंड सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस. अब आपको क्या करना है, आप टेबल स्टाइल ग्रुप में जाओगे, वहाँ पर आपको शेडिंग ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे. जब शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे सो आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो कि आप शेडिंग में अप्लाई कर सकते हो वो डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे. जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है आप सिंपली उस पर क्लिक करिए एंड सिलेक्ट कर लीजिए. और सेकेंड मेथड क्या है इसका, सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ शेडिंग कमांड. सिंपली आप क्या कर सकते हो, शेडिंग कमांड गिवन होगी, उसके साइड में एक एरो होगा, उस पर क्लिक करोगे एंड कलर की जो आपकी कलर का पैलेट है वो डिस्प्ले होकर के आ जाएगा. वहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए सिंपली. सो बाय यूजिंग दिस आप टेबल में शेड्स अप्लाई कर सकते हो. अब अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है टेबल में तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करोगे, देखो बॉर्डर बटन ऑन द डिज़ाइन टैब इज़ यूज टू ऐड बॉर्डर. डिज़ाइन टैब पर आपको बॉर्डर बटन मिलेगा, इसकी हेल्प से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो अपनी टेबल में वेरियस वेज में. अब आपको सिलेक्ट करनी है रो या फिर कॉलम जिस पर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो. आपने सिलेक्ट कर लिया, देन आपको क्या करना है, आप टेबल स्टाइल ग्रुप में जाओगे, वहाँ पर आपको बॉर्डर टूल मिलेगा, उसको क्लिक कर दोगे, देन सिलेक्ट ऑल बॉर्डर ऑप्शंस. वहाँ से आप ऑल बॉर्डर ऑप्शंस वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लोगे. बॉर्डर विल बी अप्लाइड ऑन द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम एंड देन सिंपली आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, जो भी आपने रो या फिर कॉलम सिलेक्ट किया होगा बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए. सो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो. नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट बॉर्डर कलर. थैंक यू.